दोस्तों, आपने अभी तक पक्षियों को लोगों का पालतू बनते देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये प्यारे से दिखने वाले पक्षी गुस्सा आने पर कितने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये पक्षी गुस्सा आने पर क्या क्या कर डालते हैं, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेगा। सीगल बर्ड। दोस्तों, साधारण सा दिखने वाला यह पक्षी भले ही देखने में मासूम सा दिखाई देता है, लेकिन जब यह अपने शिकार पर निकलता है तो यह किसी भी एंगल से मासूम नहीं दिखाई देता, जैसा कि आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। यह पक्षी बड़ी आसानी से इस सांप का शिकार करने लग जाता है और देखते ही देखते सांप का पूरा काम तमाम कर देता है। पर क्या हो अगर इस पक्षी का सामना एक बिल्ली से हो जाए, और ऐसा ही कुछ इस क्लिप में देखने को मिला। यहाँ यह बेचारी बिल्ली अपना खाना खा रही होती है, तभी सीगल वहाँ आती है और बिल्ली के खाने पर अपना हक जमाते हुए उसे खाने लग जाती है, और यह देखकर भी बिल्ली कुछ नहीं करती और पास में रखे दूसरे प्लेट के खाने को खाने लग जाती है। पर सीगल का मन इससे भी नहीं भरता और वह बिल्ली के दूसरे प्लेट पर भी बुरी नज़र डाल देती है, जिसके बाद बिल्ली का गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है और वह सीगल को एक थप्पड़ जड़ देती है। फिर भी सीगल उसके पास जाने की कोशिश करती है और फिर से बिल्ली उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद सीगल दुम दबा के निकल लेती है। एमू बर्ड। दोस्तों, एमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, जो कि देखने में शुतुरमुर्ग की तरह ही दिखाई देते हैं। ये लगभग 2 मीटर तक बड़े हो सकते हैं और इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर पक्षियों में गिना जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की क्षमता रखते हैं, और इनका पैर इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि ये अपने पैर के एक वार से ही इंसानों को भी धूल चटा सकते हैं। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि यह डॉग एमू से बिना लड़े ही समझ चुका है कि इसके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता, और बचने की हर संभव कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। और इस क्लिप में भी आप एमू का दबदबा साफ साफ देख सकते हैं। जैसे ही एमू एक कंगारू के पास से गुजरता है, कंगारू उसे देखकर ही अपना हाथ स्वीकार कर लेता है और मौका मिलते ही वहां से भाग निकलता है। स्ट्राइक बर्ड। यह छोटा सा व साधारण सा दिखने वाला पक्षी एक मांसाहारी पक्षी होता है, जिसका दूसरा नाम स्टोन कोल्ड किलर है, और इसके शिकार करने का तरीका देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि यह पक्षी सबसे पहले किसी शिकार को मारती है और फिर उसे कांटे वाली डाल पर टांग देती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका शिकार जब तक सूख नहीं जाता तब तक यह उसे नहीं खाती, और इसी तरह से यह अपने शिकार को 9 से 10 दिन तक धूप में सुखाती है और फिर उसे खा लेती है। ईगल बर्ड। दोस्तों, ईगल को दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दुनिया के लगभग 90% जीवों का शिकार बड़ी आसानी से कर सकती है, और इसके पंजे इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि जब यह अपने शिकार को पकड़ता है तो इसके पंजे से बच निकलना लगभग असंभव होता है, जैसा कि आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। यहाँ ये बकरी ईगल के पंजे से बचने की पूरी कोशिश करते दिखाई देती है, पर ईगल इसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और अंत में उसे अपना शिकार बना लेता है। व्हाइट पेलिकन। दोस्तों, यह पक्षी बड़ा शरीर व लंबी चोंच का होता है, जो देखने में भी बड़ा ही प्यारा व खूबसूरत लगता है, लेकिन जब कोई शिकार इसकी चोंच के पकड़ में आता है तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी चोंच के नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है, जो तनकर इतनी बड़ी हो जाती है कि 5 से 10 मछलियां बड़े आराम से इसमें आ जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।